वर्ष भी हम रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर एकत्रित हुए हैं आभासी माध्यम से। आज रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन है और हम हर वर्ष आज के दिन एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मेरी आवाज जा रही है? जी जी। तो सर्वप्रथम कोई भी कार्यक्रम जब हम करते हैं, विश्वविद्यालय की यह परंपरा रही है कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय का कुलगीत बजाया जाता है, तो मैं संजय जी से निवेदन करूंगा कि वह विश्वविद्यालय का कुलगीत पहले बजाएं। संजय जी। यह जन जन का विश्वविद्यालय सरल सुगम शिक्षा का आलय जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय ज्योत जलाए ज्ञान की स्वाध्याय की अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को शिक्षा के अधिकार की ना उम्र का कोई बंधन ना बंदिश परिधि बना शीर्षा का देवालय यह जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का मान है सम्मान है पहचान है जन जन का भूषित नवाचार से सज्जित गुणवत्ता से परिपूरित ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन ज्ञान कोश से संचित सर्व गुण संपन्न शिक्षा का हिमालय शिक्षा का हिमालय यह जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का हार्दिक धन्यवाद संजय जी। तो अब हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं और आज हमारे बीच दिनकर जयंती के इस अवसर पर प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर हरिमोहन बुधौलिया जी, जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के हिंदी अध्ययनशाला और हिंदी अध्ययन मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, वो उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। हमारा सौभाग्य है सर, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आज के इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी। शर्मा सर उज्जैन में ही जन्मे हुए हैं और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से ही आपकी उच्च शिक्षा हुई है। आप वर्तमान में हिंदी विभाग और कला संकाय के अध्यक्ष हैं और साथ ही कुला अनुशासक की जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रहे हैं। हम आपका भी सर स्वागत करते हैं। आप दोनों इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, इसके लिए आपका स्वागत और धन्यवाद भी है। मैं सबसे पहले इस क्रम में अपने माननीय समकुलपति महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के स्वरूप ही इस तरह के कार्यक्रम सफलतापूर्वक अनवरत आयोजित किए जा सकते हैं। आप प्रवासी अध्ययन एवं स्वतंत्रता
आंदोलन केंद्र के निदेशक हैं और आपके निर्देशन में लगातार इस केंद्र द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में यह आज का कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में औपचारिक स्वागत हेतु अनुवाद विद्यापीठ में सहायक आचार्य डॉक्टर ज्योति चावला जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे अतिथियों और वक्ताओं का औपचारिक स्वागत करें। धन्यवाद अरुण जी और सभी को मेरा नमस्कार। स्वाधीनता संग्राम एवं प्रवासी अध्ययन केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्र की अवधारणा वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म दिवस है और हम ये भी भली भांति जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के केवल एक कवि नहीं बल्कि एक राष्ट्र कवि के रूप में उनकी छवि रही और वे भारतीय कविता को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे कवि को जिनका कि राष्ट्र निर्माण में और कहा जाए कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जिनकी कविता को एक नारे की तरह इस्तेमाल किया गया और नारे की तरह उनकी कविता को गाया गया, ऐसे कवि को ऐसे अपने महत्वपूर्ण कवि को आज हम याद कर रहे हैं इस खास दिवस पर, इस खास आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम कार्यक्रम में विधिवत रूप आगे बढ़ें और अपने आज के अतिथियों का और वक्ताओं का स्वागत करें, मैं अपने श्रोताओं के लिए और आज के कार्यक्रम में जुड़े सभी सुधीजनों का रामधारी सिंह दिनकर जी से एक संक्षिप्त परिचय करवाना चाहूंगी। हालांकि इतने बड़े व्यक्तित्व को, इतने बड़े कवि को, इतने बड़े रचनाकार को और एक कहा जाए कि एक समाज निर्माता को किसी सीमित शब्दों में व्याख्यायित करना या कहना हालांकि एक मुश्किल काम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने श्रोताओं के लिए और जिनके लिए रामधारी सिंह दिनकर कम परिचित हैं उनसे हम उन्हें परिचित करवाएं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हाँ, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया में हुआ। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में बीए किया। वे संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के अध्येता थे। अपने कार्यकाल में वे प्रशासनिक से लेकर अकादमिक विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। 1952 में भारत की प्रथम संसद द्वारा उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। दिनकर मूलतः विद्रोही स्वभाव के कवि थे। अपनी कविता के लिए उनका हिंदी कविता ही नहीं भारतीय कविता में विशेष स्थान है। अपने कविता के मूल भाव वीर रस को लेकर उनकी कविता और खासतौर पर स्वाधीनता संग्राम में जिस प्रकार उनकी कविता भारत को प्रेजेंट कर रही थी, भारत को प्रस्तुत कर रही थी और एक वैश्विक पटल पर उनकी उन्हें देखा और जाना जा रहा था, उस तरह से हम कहें तो रामधारी सिंह दिनकर हमारे समय को दुनिया के सामने रखते हैं और ये दिखाते हैं कि किस प्रकार भारत की कविता या कोई भी साहित्य कितना प्रतिनिधित्व कर सकता है और किस प्रकार किसी आंदोलन का अग्रणी हो सकता है। उन्हें अपने इसी साहित्यिक आंदोलनों के लिए और अपने साहित्य योगदान के लिए 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1959 में उनकी महत्वपूर्ण रचना संस्कृति के चार अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया और 1972 में उर्वशी के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उनके अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। तो एक छोटा सा परिचय हमारे आज के उस कवि का जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए अपने कुलपति का अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सहज अनुमति देकर न केवल इस कार्यक्रम को सहज अनुमति दी बल्कि ये भी दर्शाया कि वे साहित्य के प्रति उनका अनुराग कितना गहरा है। साथ ही मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगी हमारे विश्वविद्यालय के समकुलपति और स्वाधीनता संग्राम एवं प्रवासी अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर तत्यकाम जी का, जिनके अनुसार इस कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्माण हुआ और जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम संपन्न हो पा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, जो आज का कार्यक्रम में वक्ता के रूप में अपनी बात कहेंगे। प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में
वर्तमान में हिंदी विभागाध्यक्ष, कला अनुशासक एवं कला संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए अनेक नवाचारी प्रयत्न किए हैं, जिनमें विश्व हिंदी संग्रहालय एवं अभिलेखन केंद्र, मालवी लोक साहित्य एवं संस्कृति केंद्र, भारतीय जनजातीय साहित्य एवं संस्कृति केंद्र एवं भारतीय भक्तिकालीन साहित्य एवं संस्कृति केंद्र की संकल्पना एवं स्थापना प्रमुख है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में से मैं कुछ का मैं नाम बताना चाहूंगी। महात्मा गांधी, विचार और नवाचार, शब्द शक्ति संबंधी भारतीय और पाश्चात्य अवधारणा तथा हिंदी काव्य शास्त्र, देवनागरी विमर्श, हिंदी भाषा संरचना, मालवी भाषा और साहित्य आदि। इसके अतिरिक्त उन्हें कई महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से प्रमुख हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्मान, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, हिंदी सेवी सम्मान, साहित्य सिंधु सम्मान, विश्व हिंदी सेवा सम्मान। इसके साथ वे हिंदी को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हिंदी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, और हम आशा करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी के विभिन्न पक्षों को आज हम आपसे सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। सर, आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरिओम बुधोलिया जी हैं। प्रोफेसर हरिओम बुधोलिया जी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से एमए और पीएचडी की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। विक्रम विश्वविद्यालय में स्थित हिंदी अध्ययन शास्त्र एवं हिंदी अध्ययन मंडल में आचार्य तथा अध्यक्ष के रूप में वे कार्यरत रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं अरुणोदय, मध्य विचार, रामायणम आदि। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों का नाम मैं जरूर बताना चाहूंगी। प्रयोजन मूलक हिंदी, समकालीन साहित्य हिंदी कविता, मध्यकालीन साहित्य, अमृत और विश्व, पुनर्मूल्यांकन। इसके साथ उन्हें कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, और वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हिंदी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। इसके साथ ही मैं अपने साथ जुड़े सभी श्रोताओं का, दर्शकों का और सुधीजनों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम न केवल एक कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर को हम सबके सामने और बेहतर रूप में रखेगा, बल्कि अगर हमें कहें कि एक राष्ट्र निर्माता, एक समाज निर्माता के रूप में जो उनकी भूमिका है, उनकी कविता किस प्रकार एक भारतीय समाज को किसका प्रतिनिधित्व करती है, उसके विभिन्न पक्षों को भी आज हम जान पाएंगे। तो मैं अपनी ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से और स्वाधीनता संग्राम एवं प्रवासी अध्ययन केंद्र की ओर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने बहुत ही सही कहा कि दिनकर ना केवल हिंदी के अपितु भारतीय साहित्य के एक प्रतिनिधि रचनाकार रहे हैं। भारतीय साहित्य में उनका बहुत विशिष्ट स्थान है, और दिनकर ने जब लिखना शुरू किया था तो छायावाद अपने उत्कर्ष पे था, छायावाद का दौर, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी, उनकी इस काव्य लेखन की जो विशेषता थी उसको ही ध्यान में रखकर उनको छायावाद के दौर से अलग, उनको स्वच्छंदतावादी धारा का कवि माना। और यह विशेष है कि उन्होंने छायावाद के दौर के समानांतर या छायावाद के समानांतर लेखन प्रारंभ किया, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अनेक आंदोलन उनके समानांतर चलते रहे, और वो अपनी एक अलग धारा में कविता, अपना लेखन, अपने वैचारिक लेख, निबंध, मतलब सब कुछ जो भी उनको लिखना था वो एक स्वतंत्र धारा लेकर के वो लिखते रहे, और भारतीय साहित्य में, अपितु मैं कहूंगा विश्व साहित्य में, एक अपनी एक अलग पहचान निर्मित की उन्होंने। भारत को समझना हो तो संस्कृति के चार अध्याय उनकी पुस्तक अगर पढ़ी जाए तो भारत को आप बहुत गहराई से समझ सकते हैं। तो ऐसे एक शब्द शिल्पी, एक चिंतक, एक विचारक और एक राजनेता, एक प्राध्यापक के विषय में जानना ना केवल उत्सुकता का विषय हो सकता है, अपितु अपने ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार भी होगा। इससे हमारा ज्ञान का क्षेत्र भी विस्तृत होगा। बहुत से पहलू ऐसे हैं उनके लेखन के जिनसे आज हम लोग नए ढंग से परिचित होंगे। हमारे बीच में विद्वान वक्ता हैं, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं लाभान्वित होऊंगा आज उनके ज्ञान चर्चा से, और अपने ज्ञान में थोड़ा वृद्धि करूंगा, अपनी अज्ञानता को थोड़ा मिटाऊंगा। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी का
सर आप आए और दिनकर की कविता में राष्ट्र की अवधारणा से हमें अवगत कराएं। सर स्वागत है। वागर्था विव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज के इस अत्यंत महनीय अवसर पर, जबकि हम केवल राष्ट्रीय नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इस पटल पर जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम हम सबके वरेण्य कुलपति, मेरे अत्यंत आदरणीय और इस विश्वविद्यालय जहां मैं बैठा हूं, यहां के अद्वितीय रत्न प्रोफेसर नागेश्वर राव जी के प्रति हृदय से अगाध आभार व्यक्त करता हूं कि वे स्वयं हिंदी भाषा साहित्य के प्रति अभिरुचि रखते हैं और उन्होंने आज के इस पावन दिवस पर, जबकि हम लोग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को स्मरण कर रहे हैं, उनकी विविध काव्य संवेदनाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह श्रेय राव साहब को जाता है। राव साहब के साथ मैं अभिनंदन करूंगा स्वाधीनता संग्राम एवं प्रवासी अध्ययन केंद्र इग्नू के यशस्वी निदेशक और इस विश्वविद्यालय के समकुलपति सुधी लेखक समीक्षक और निरंतर अनेक माध्यमों से साहित्य सेवा में तल्लीन प्रोफेसर सत्यकाम जी का। आपका मैं हृदय से अगाध सम्मान ज्ञापित करता हूं कि आपने आज के इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण विषय पर हम सबको एक साथ बैठकर विचार का अवसर दिया है। हमारे बीच विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष सुधी विद्वान प्रोफेसर हरिमोहन बुधोलिया जी हैं, मैं आपको प्रणाम ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच अभी मैं देख रहा था पटल पर कि यशस्वी लेखक श्री हम सबके वरेण्य जितेंद्र श्रीवास्तव जी यहाँ मौजूद हैं हमारे बीच में। हमारे बीच डॉक्टर जगदीश शर्मा जी हैं, अभी जिन्होंने परिचय दिया, डॉक्टर ज्योति चावला हमारे बीच में हैं, और सुधी संचालनकर्ता डॉक्टर अरुण पांडे जी हैं, डॉक्टर शंभुनाथ मिश्र जी हैं, और ये भी मैं देख रहा हूँ कि देश के विभिन्न भागों के सुधी जन यहाँ पर मौजूद हैं। वस्तुतः दिनकर को याद करना यानी भारतीय सांस्कृतिक चेतना से जुड़ना है, विराट भारतीय राष्ट्रीय भावधारा से जुड़ना है और उसके साथ साथ हमारे अपने समय की चुनौतियों से टकराना है। दिनकर संपूर्ण हिंदी जगत में ही नहीं, वरन मैं तो कहूंगा कि संपूर्ण भारतीय साहित्य जगत में एक अद्वितीय रत्न के रूप में हमारे बीच में दिखाई देते हैं। वे इसलिए कि इतना विविध संवेदना का संसार और फिर समय के अंतराल को भरते हुए, आप सोचिए कि जब एक रचनाकार अपने काव्य की शुरुआत करता है तब छायावाद शिखर की ओर अग्रसर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा था, उस छायावाद से उनकी संपृक्ति है, उत्तर छायावाद के साथ भी वो अपना संबंध जोड़ते हैं, लेकिन एक जो व्यापक जो राष्ट्रीय भावधारा है वो उनके साथ साथ निरंतर चलती हुई दिखाई देती है, निरंतर उन्हें न केवल प्रेरित करती है वरन उसमें भी वो अपना स्वर जोड़ते हैं। फिर दिनकर वही नहीं रुकते, दिनकर जो है वो निरंतर नए नए राहों के अन्वेषी के रूप में हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वे हमारी जातीय चेतना के साथ जुड़ते हुए हमारे मान मूल्यों की चर्चा करते हैं, वे हमारे पुराख्यानों की तरफ ले जाते हैं, अनेक मिथकी चरित्रों को हमारे बीच प्रस्तुत करते हैं। फिर आप देखें कि गहरी वैचारिक और दार्शनिक कविताएं भी लिखते हैं। फिर इसके साथ साथ भारतीय जीवन में जो पुरुषार्थ चतुष्टयी की जो अवधारणा रही है उसमें काम तत्व की अवहेलना हो रही थी, उस काम तत्व को लेकर के भी वो लिखते हैं। तो यानी कि दिनकर का स्मरण करना एक साथ बहुत सारी और राजनीति के साथ आपको जोड़ना है, और उसके साथ साथ जो एक अंतर्वर्ती शंकर पाटिल जी निरंतर अपने आप को राग की धारा के साथ जोड़े रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्या हो गया कि मैं हुंकार भरने लगा, मैं गर्जन तर्जन करने लगा, तो अंदर से एक रचनाकार एक विशेष प्रकार का जो उसका अपना अंतर्द्वंद है उसके साथ भी वो मुठभेड़ करता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ ये कहना
कि मरण कोट पर चढ़ जीवन की ध्वजा उड़ाकर मैं मृत्युंजय कवि प्रकाश की जय का गान करूंगा। ये दिनकर है, दिनकर जो है वो मृत्युंजय कवि है, और मैं तो ये कहूंगा कि वे कालजयी कवि। और इस रूप में यदि आप देखें तो ये जो उनकी पंक्तियां हैं वो एक तरह से उनकी संपूर्ण जीवन दृष्टि और उनकी काव्य दृष्टि का स्पष्ट साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। दिनकर एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने मानव जीवन और उसकी उदात्तता के प्रति निरंतर अपना ध्यान रखा, और वे मानव की उस उदात्त गरिमा को निरंतर अनेक रूपों में व्याख्यायित करते रहे। वे चाहे गद्य रचना करते रहे हों, चाहे उन्होंने काव्य रचनाएं की हों, बार बार मानव की वह जो उदात्त छवि है वो निरंतर उनकी कविता के माध्यम से प्रस्फुटित होती है। राष्ट्रीय चेतना का जो स्वर है वह तो मुखरित है ही, जैसा कि आज के हमारे इस पटल का विषय भी है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक जड़ता और विसंगतियों के विरुद्ध आक्रोश का स्वर वे निरंतर मुखरित करते रहे। वे दार्शनिक और वैचारिक जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन के तमाम प्रश्न हैं, जीवन की कालिकता के बीच में जीवन की शाश्वतता और क्षणभंगुरता का जो प्रश्न है वो दिनकर बहुत अच्छे ढंग से उठाते हैं। वे निरंतर काम को, प्रेम को और इस प्रकार की संवेदनाओं को, जो कि हमारे जीवन के बेहद कोमल विषय हैं, उन पर भी निरंतर दृष्टिपात करते हैं। और इन सभी प्रकार की भावधाराओं के बीच वे गहरी आस्था के साथ, गहरे विश्वास के साथ निरंतर हमें पलायन से हटाते हैं, निराशा से उबारते हैं। यह समय जबकि हम लोग कोविड की विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों के बीच में हैं, लोगों का जीवन के प्रति एक जो विश्वास था पिछले 1.5 साल में टूटता जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, एक निरंतर अवसाद, निराशा और हताशा के दौर में है। ऐसे दौर में दिनकर की कविताएं हमारे जीवन में नया प्रकाश भरती हैं। वे संकेत करती हैं कि हम में एक निरंतर ऊर्जा, उत्साह और उमंग का जो एक रूप है वो हमारे अंदर बना रहना चाहिए। दिनकर के जीवन में भी इस प्रकार की स्थिति रही, यद्यपि उन्हें जीवन में कई थपेड़े खाने पड़े, संघर्षों के बीच से उन्हें गुजरना पड़ा, लेकिन वे निरंतर हमारे मध्य गहरी आस्था, गहरा उत्साह और उमंग के रंग हमारे जीवन में भरने की चेष्टा करते हैं। दिनकर सही अर्थों में राष्ट्रीयता की विराट भाव यात्रा के कवि हैं। और यह जो विराट राष्ट्रीयता है, इसका निर्माण कुछ लोगों ने नहीं किया है, कुछ वर्षों या कुछ शताब्दियों में नहीं हुआ है। इस विराट राष्ट्रीयता की भावधारा को बनने में सहस्त्राब्दियां लग गई। सुदूर बैठा हुआ हमारा भीमबेटका का जो अमर शिल्पी है, जो अमर चित्रकार है, वो चित्रों के माध्यम से जब हमारी प्रकृति का चित्रांकन कर रहा था, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है, हमारी राष्ट्रीयता के मूल सूत्र वहां विद्यमान है, वनांचल में विद्यमान है। हमारी राष्ट्रीयता के मूल सूत्र लोक समुदाय के बीच में जिंदा है, और ये वे तमाम सारे लोग हैं जो इस देश को बनाते हैं। तो आप देखें कि यह जो विराट जो राष्ट्रीयता की भावधारा है वह निरंतर हमारे जीवन में नया उत्साह भरती आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम को भी ध्यान रखा, और आप देखें कि दिनकर की राष्ट्रीयता का याद करना यानी विश्व मानवता के साथ जुड़ना है। हमने वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को कोई 100-200-400 वर्षों में नहीं अंगीकार किया, हमने एक लंबी यात्रा तय की तब जाकर के और यह सूत्र हमारे जीवन में आया। फिर आप देखें कि हम स्वयं अपने जीवन में अलग अलग स्तरों पर जीते हुए दिखाई देते हैं। कभी हम स्थानीयता या अंचल के साथ हमारा संबंध बनाते हैं, कभी हम राष्ट्रीयता के साथ जुड़ते हैं, और कभी हमारे सोच में वैश्विकता आती। अभी जो तालिबान का जो पूरा का पूरा परिवेश हमारे सामने आ रहा है, हम सभी लोग उस चिंता के साथ जुड़ जाते हैं कि ये क्या समय आ गया कि जिसमें स्त्रियों को द्वयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि समय समय पर हम लोग कभी अंचल के साथ, देशीयता के साथ, कभी हम राष्ट्रीयता के साथ, और कभी वैश्विकता के साथ, इन तमाम क्षेत्रों में अपने मान बिंदुओं की हम तलाश करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि ये तीनों सूत्र परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं आधार देते हुए बढ़ते हैं। ऐसे नहीं कह दिया गया
माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया। अरे हम पृथ्वी पुत्र हैं, हम भारत माता की संतान हैं, गौरव है हमें। लेकिन केवल भारत माता ही नहीं, ये पूरी जो धरणी है, ये जो पूरी धरा है, ये हमारी माता है। और आप देखें कि इस पृथ्वी पुत्र होने का ये जो बोध है, ये दिनकर की कविता में है। माता के प्रति जो हमारा भाव है, भूमि के प्रति जो भाव है, वह जो प्रादर्श है, वो सदियों पहले हमारे यहाँ रचा जाता है। और आप देखें कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अरे ऐसे नहीं कह दिया गया, जब स्वयं हमारा जो आदि कवि है वाल्मीकि, वो जब राम के मुख से कहलवाना चाहता है, तो उसे लगता है कि ये दो जो है हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनकी चर्चा राम के मुख से होनी चाहिए। एक जननी है और एक जन्मभूमि है। यदि स्वर्ग भी मिल जाए तो वाल्मीकि कहते हैं कि मैं स्वर्ग को त्याग दूंगा, मेरी माँ को नहीं त्यागूंगा, मेरी जन्मभूमि को नहीं त्यागूंगा। राष्ट्र कवि दिनकर के साथ जुड़ना यानी जननी और जन्मभूमि के साथ जुड़ना है। और आप देखें कि इस जन्मभूमि के प्रति प्रेम की जो गहरी अभिव्यक्ति है, उससे राष्ट्रीयता का निर्माण होता है, उससे राष्ट्र की अवधारणा जन्म देती है। यह जो राष्ट्र है, यह परस्पर संबद्ध किंतु भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता आ रहा है। कभी कहा गया राष्ट्र दुर्ग बलानी, अमरकोश कहता है कि देश साम्राज्य या राज्य जो है वह राष्ट्र है। तो दूसरी तरफ मनुस्मृति कहती है कि जिला देश या प्रदेश या मंडल के अर्थ में भी राष्ट्र शब्द चलता है, जैसे आजकल हम लोग सौराष्ट्र या महाराष्ट्र की चर्चा करते हैं। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है राष्ट्र का अर्थ है प्रजा, जनता या आदिवासी। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम इस भूमि के बाशिंदों को, प्रजाजनों को, आम जनता को प्रेम करते हैं, यानी राष्ट्र से प्रेम करते हैं, यदि हम इस भूभाग से प्रेम करते हैं जिस भूभाग पर हम रहते हैं, तो हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं। और फिर इन दोनों पर पल्लवित पुष्पित होने वाली संस्कृति से यदि हम अनुराग करते हैं, तो हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं। दिनकर की कविता के साथ जुड़ना, भूमि के साथ जुड़ना है, जन के साथ जुड़ना है, और इस जन के द्वारा निरंतर दिन रात 24 घंटे प्रवाहित की जाने वाली संस्कृति के साथ जुड़ना है। और इसी रूप में आप देखें कि हमारा यजुर्वेद कहता है वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहित, हम राष्ट्र के प्रति जागरूक हों। और एक कवि हमारे अपने समय में आता है रामधारी सिंह दिनकर के रूप में, कि जो राष्ट्र के प्रति जागरूक होने का आह्वान अलग अलग ढंग से करता है। तो कहने का मतलब यह है कि स्थानीयता के आग्रह हमारे निरंतर रहे हैं, होना चाहिए। हमारी अपनी भूमि से, हमारी मिट्टी से, हमारे अंचल से हमारा अनुराग होना चाहिए। यदि मैं मालवा क्षेत्र में बैठा हुआ हूँ, तो मालवा के प्रति मेरा मन में प्रेम होना चाहिए। यदि सत्यकाम जी बिहार या किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ करके आते हैं, तो उनका उस क्षेत्र से अनुराग होना चाहिए। यदि हम उसके प्रति अनुराग नहीं रखते हैं, इसका मतलब है कि हम राष्ट्र के प्रति अनुराग नहीं रखते, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो वाणी है, हमारी जो बोली है, वह उसी परिवेश से तो निकलती है। अतः दिनकर जो है वो निरंतर हमें स्थानीयता, आंचलिकता से लेकर राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता से वैश्विकता के ये जो परस्पर संबद्ध, जो परस्पर पूरक बनने वाले जो सरोकार हैं हमारे, उन सबके साथ जोड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। दिनकर की कविताओं में राष्ट्र की अनेक विध जो छवियां हैं वो मुखरित होती हुई दिखाई देती। और आप देखें कि उनके अपने समय के जो कवि हैं, इस भूमि में जिस पर मैं बैठा हूं, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की भूमि है, ये माखनलाल चतुर्वेदी की भूमि है। आप देखें कि ये सारे के सारे जो कवि हैं, वो एक स्वर में राष्ट्र में नई प्रेरणा का संचार कर रहे थे। कानपुर में बैठे हुए श्याम नारायण पांडे जो है, इनके स्वर में स्वर मिला रहे थे। सोहनलाल द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, ऐसे तमाम लोगों ने आजादी के आंदोलन की आहट को न केवल महसूस किया, वरन उसे नई प्रखरता दी, नया ओज दिया। और फिर जब समय आया कि स्वतंत्रता प्राप्त हो गई लेकिन औपनिवेशिक दास्ता नहीं गई, तब आप देखें यही वे कवि हैं जो औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति की छटपटाहट भी अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो एक कवि जो है वो केवल एक राष्ट्र को राजनीतिक रूप में आजाद नहीं देखना चाहता, वह राष्ट्र के निर्माण के लिए जिन बिंदुओं को लेकर के काम करता है, तो मुझे लगता है कि दिनकर बहुत सचेष्ट इसमें दिखाई देते हैं।
और मुझे यहाँ लगता है कि केवल राष्ट्रीयता की बात करना, सामाजिकता या सांस्कृतिक बोध के से पृथक करना ये संभव नहीं है। ये परस्पर गुथे हुए हैं और इन सारे कवियों की जिनकी चर्चा मैंने अभी की, इन सभी रचनाकारों को यदि आप देखें तो सभी के सभी केवल राजनीतिक दृष्टि से आजादी नहीं चाहते, वे वैचारिक धरातल पर भी स्वाधीनता चाहते हैं, वे मौलिक चिंतन का आह्वान करते हैं, वे हमें सांस्कृतिक मूल्य बोध के साथ जोड़ते हैं, वे बार बार आवाज लगाते हैं कि ये क्या देश हो गया, यह अशोक का देश था, ये राम का देश था, ये बुद्ध का देश था। तो ये जो पीड़ा का जो स्वर है, ये दिनकर के काव्य को माखनलाल जी, नवीन जी, सभी के स्वर में आप पाएंगे कि ये लोग निरंतर इस बात को लेकर के हमें सचेष्ट करते हैं कि हम राजनीतिक दृष्टि से तो आजाद हो गए हैं, लेकिन क्या सांस्कृतिक दृष्टि से हम आजाद हैं? क्या हमारा चिंतन मौलिक हुआ है? हमारा संकट है कि हमने राज्य तो बदल लिया, राज्य का राज्य चिन्ह बदल लिया, हमने संविधान नया अंगीकार कर लिया, लेकिन क्या हमने वह जो मूल्य रोपित किए जा रहे थे ब्रिटिश औपनिवेशिक वातावरण के अंदर, क्या हमने उन मूल्यों से अपने आप को दूर किया है? आज भी हमारे सामने संकट है। और इसीलिए आप जब देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है तो वो तमाम चीजों को और तमाम पीड़ाओं को लेकर के और एक नए प्रकार के भारत के निर्माण की बात करती है। तो यह जो चेतना है, यह दिनकर की चेतना है। वे संकेत करते हैं समर शेष है, यह प्रकाश बंदी ग्रह से छूटेगा और नहीं तो तुझ पर पापिनी महावस्त्र टूटेगा। तो आप देखें कि स्वाधीनता प्राप्त करना गौरव की बात है, लेकिन जिन सपनों को लेकर के हमने स्वाधीनता का पूरा यज्ञ आह्वान किया था, उस यज्ञ की परिणति क्या वैसी होनी थी जैसी दिखाई देती है? और इसीलिए दिनकर जो है वो संकेत करते हैं, और नहीं तो तुझ पर पापिनी महावज्र टूटेगा। राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत दिनकर जो है भारत का शीश कभी झुकता हुआ नहीं देखना चाहते, लेकिन पिछले हमारा दशक दर दशक इतिहास यदि हम देखें तो कई बार हमारे सामने संकट की स्थिति रही, हम पर हमले हुए हैं, हम पर हिंसा और आतंक की साया जो है निरंतर मंडराता रहा है, और उसके बीच में जब तक इस राष्ट्र की एक एक इंच भूमि के लिए हम लोग उसकी रक्षा के लिए सन्नद्ध नहीं होंगे, दिनकर का सपना पूरा नहीं होगा। दिनकर कहते हैं, नहीं जीते जी सकता देख, विश्व में झुका तुम्हारा भाल, वेदना मधु का भी कर पान, आज उगा लूंगा गरल कपाल। यानी व्यास के साथ जुड़ना, दिनकर के साथ जुड़ना यानी हमें अपने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम चिन्हों को लेकर के आगे बढ़ना होगा। आप देखें कि दिनकर युद्ध और संघर्ष काल की राष्ट्रीयता के साथ आगे बढ़ते हैं, वे शांति के क्षणों की राष्ट्रीयता की चर्चा नहीं करते। अरे शांति के समय में तो सहज ही हम लोग अपने राज्य, जब संघर्ष का काल होता है, जब युद्ध का काल होता है, जब आपदा और संकट से घिरा हुआ हमारा राष्ट्र होता है, तब हमारा यह फर्ज बनता है कि हम कंटकों के निवारण के लिए और नव निर्माण के लिए आगे बढ़े। धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आगे आगे आने लगा धुआंसा। अरे धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआंसा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है, दाता पुकार मेरी संदिप्ति को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। ये दिनकर है, चढ़ती हुई जवानी का श्रृंगार मांगने की जो कला है वो दिनकर को आती है, और इसीलिए वे निरंतर एक विशेष प्रकार की बेचैनी का अनुभव अपने जीवन में तो करते ही हैं। उनकी कविताओं को पढ़ते हुए भी हम सारे लोग एक विशेष प्रकार की बेचैनी का अनुभव करने लगते हैं। बेचैन है हवाएं सब और बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है,
मझधार है, भवर है या पास है किनारा, या नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा, आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा, भगवान इस तरी को भरमा न दे अंधेरा, तम बेधिनी किरण का संधान मांगता हूं, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूं। ये दिनकर जी। तो दिनकर जो है वो निरंतर निस्तेज होती हुई हमारी दृष्टि को उसमें नया तेज का आलोक भरते हैं, वे निरंतर हमें सन्नद्ध करते हैं, राष्ट्र के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो दायित्व हैं, उन सबको लेकर के वे निरंतर आह्वान करते हैं। आप देखें कि दिनकर जो है वो सामाजिक पक्ष को जब देखते हैं तो राष्ट्रीयता को भी उसका एक अंग देखते हैं। उनका संकेत है कि संस्कारों से मैं कला के सामाजिक पक्ष का प्रेमी अवश्य हो गया था, किंतु मेरा मन यही चाहता कि गर्जन तर्जन से दूर रहूं और केवल ऐसी कविताएं लिखूं जिनसे कोमलता और कल्पना का उभार हो, और सुयश तो मुझे हुंकार से ही मिला, किंतु आत्मा मेरी अब भी रसवंती में बसती है। राष्ट्रीयता मेरे व्यक्तित्व के भीतर से नहीं जन्मी, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत किया। ये दिनकर है। दिनकर के अंदर एक रसवंती धारा बह रही है। दिनकर के अंदर जो है एक जीवन का जो कोमल स्वर है वह है। लेकिन दिनकर जिस समय में हुए उस समय का ये संकट था कि वे रसवंती धारा को ही नहीं बहा सकते थे, और इसीलिए बाहर से पुकारती हुई राष्ट्रीयता की जो चेतना है वह उनके अंदर बाहर सबको आक्रांत करती है, और तब उनके माध्यम से जो कविता का स्वर हमारे बीच में आता है तो आप देखें कि दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। कवि दिनकर जो है वो निरंतर उनकी जो काव्य यात्रा है वह अपने आप के नए नए रास्तों को तलाश करती हुई आगे बढ़ती है। लेकिन इन सबके बीच में जब वे देखते हैं कि दास्ता का अपयशपूर्ण जीवन का जो अभिशाप है वह निरंतर हमको आक्रांत किए हुए है, तब फिर उनकी राष्ट्रीयता जो है वो एक विशिष्ट आयाम लेती हुई आगे बढ़ती है। वे लगातार गति, शक्ति और शौर्य के उच्चासन पर स्थित रहे भारत के दर्द के कवि हैं। वे जब तुलना करते हैं कि एक भारत का वह युग था, हम लोग तेजस्वी विक्रम के देश के बाशिंदे हैं, हम महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे महापुरुषों के देश के बाशिंदे हैं, और ये अचानक क्या हो गया कि हमारा सारा का सारा शक्ति और ऊर्जा का जो हमारा पूरा उत्साह का जो वातावरण था वो नष्ट हो गया। तो वे ठंडे हुए रक्त के अंदर नया ताप उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं। वे पराधीन भारत की दुर्दशा से क्षुब्ध होकर निरंतर संघर्ष, विद्रोह और विप्लव का आह्वान करते हैं। क्रांति धात्री, ओ क्रांति जाग उठ, आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। आप देखें कि एक कवि अपने जीवन में शुद्ध कविता की तलाश करता है, लेकिन वे जब देखते हैं कि केवल शुद्ध कविता से नहीं होगा, हमारा जो युग जीवन है वो अनेक प्रकार के थपेड़ों और कोलाहलों से भरा हुआ है, और उसके बीच में कोई कवि कैसे रसवंती धारा के साथ अपने आप को जोड़ सकता है, उसे बदलना होगा। और इसीलिए आप देखें कि उनका स्पष्ट संकेत है कि कविता व्यक्ति द्वारा संपादित सामाजिक कार्य है, और शुद्ध कविता समाज के लिए ही लिखी जाती है। तो यह दिनकर है। दिनकर जब शुद्ध कविता की भी तलाश करते हैं तो उनके सामने वह जो अपने युग का पूरा संघर्ष है उनकी आंखों के सामने है, और इसीलिए जब वे कला की स्वदेशिता पर भी जब विचार करते हैं तो आप देखें कि निरंतर कला की स्वदेशिता के खिलाफ दिए गए तर्कों से वे जूझते हैं। वे बार बार प्रश्नांकित करते हैं कि कवि भी जो है सामाजिक जीव है और निरुद्देश्य उसकी जीभ नहीं खुलनी चाहिए। तो काव्य में स्वदेशिता का जो बोध है वो दिनकर को एक विशेष प्रकार की स्थिति में ले जाता है। सौंदर्य सृजन की कला में असफल हो जाने पर कवि को पश्चाताप होना स्वाभाविक है, किंतु चमत्कार पूर्ण सौंदर्य के सृष्टा को इस सूचना से सिर नीचा करने का कोई कारण नहीं दिखता कि अमुक समालोचक ने उसकी कृति में स्वदेशता का दोष निकाला है। प्रेमचंद के सामने भी यह संकट था। नंद दुलारे वाजपेयी और प्रेमचंद जी की बहस सुप्रसिद्ध है, और आप देखें कि दिनकर जब खड़े होते हैं तो प्रेमचंद के साथ खड़े होते हैं। दिनकर को पढ़ना एक साथ तुलसी और कबीर से जुड़ना है।
तुलसी की जो एक गहरी आस्था और हमारी शाश्वत मूल्य दृष्टि के प्रति जो एक विशेष प्रकार का भाव है वह भी आपको दिनकर क्या दिखाई देगा। लेकिन जब बात सामयिक विसंगतियों पर प्रहार की होगी, सामाजिक जड़ता के सामने जब उठ खड़ा करने की बात होगी, तो कबीर के साथ खड़े हुए हमें दिनकर दिखाई देंगे। तो आप देखें कि एक कवि कैसे क्रांतिकारी भी दिखाई देता है, तो उसके समानांतर गहरी सांस्कृतिक चेतना के साथ, गहरी हमारी मूल्य दृष्टि के साथ खड़ा हुआ भी वह दिखाई देता है। और दिनकर ने निरंतर इतिहास की उन तमाम चीजों को लेकर विचार किया जिस पर आज भी हम विचार करते हैं। आज भी हमें लगता है कि हमारे तो वर्तमान है वह निरंतर इस बात को लेकर के चिंतित होता है कि हम लोग किसी दौर में फूट और बेर का शिकार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, जब टका शेर भाजी टका शेर खाजा, तो उन्होंने कहा कि बेर और फूट भी सवा फीट का मूल्य भी वही है जो खाजा का है और जो भाजी का है। तो आप देखें कि फूट और बेर ने किस तरह से हमें संकट में डाला और आज के समय में भी हमारे समक्ष इस प्रकार की चुनौतियां खड़ी हुई हैं। हमें राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए चलना होगा, तमाम प्रकार के भेदों, तमाम प्रकार की सीमाओं से ऊपर उठना होगा। तो दिनकर जो है, जब वो प्रणति लिखते हैं जिसको कि शहीद स्तवन भी कहा गया, उसमें आप देखें तो इतिहास गढ़ने वाले वीरों को नमन करते हैं। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये दिनकर है। दिनकर इतिहास के उन तमाम पृष्ठों को देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं उसमें से परशुराम को निकाल रहे हैं, उसमें से राम को निकाल रहे हैं, उसमें से अशोक की आवाज को निकालते हैं, उसमें बुद्ध की वाणी को निकाल रहे हैं। ये जो चिंता का जो स्वर जो आज के समय में भी है, आज भी हम पीछे पलट करके जब देखते हैं तो हमें बार बार ऐसे तमाम महनीय जो हमारे रत्न है वो दिखाई देते हैं। दिनकर भी अपने दौर में ये काम करते हैं, वे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के तमाम आख्यान सूत्रों को खंगालते हैं, उनमें से विभिन्न प्रकार के प्रतीकों को निकालते हैं और फिर युगानुकूल अर्थ विस्तार देते हैं। और इसी कारण उनकी कविता में मिथक मिथक के रूप में नहीं दिखाई देते, वे हमें बिल्कुल समकाल के साथ संवाद करते हुए दिखाई देते हैं। प्रलयंकारी तांडव, प्रलयंकारी तांडव की जो भूमिका है, महाकालेश्वर की जो भूमिका है, उस भूमिका में इस देश के लोगों को आना होगा, तब जाकर के राष्ट्र और समाज का दर्द समाप्त होगा। नाचो नाचो है नटवर, नाचो है है नाचो नटवर, चंद्र चूड़ त्रिनयन गंगाधर, आदि प्रलय अवधर गंग शंकर, प्रभु तव पावन नील गगन तल, विचलित अमित निरीह निबल दल, मिटे राष्ट्र उजड़े दरिद्र जन, आह सभ्यता आज कर रही असहायों का शोणित शोषण, पूछो साक्ष्य भरेंगे निश्चय नभ के ग्रह नक्षत्र निकर, नाचो है नाचो नटो। तो आप देखें कि कितनी गहरी चैतन्यिक भूमिका पर दिनकर खड़े हुए हैं, और इसीलिए राष्ट्र की चेतना के साथ जब उनके स्वर मिलते हैं तो वह पीछे जो कुछ भी हमारा अतीत था, और ये नवजागरण की विशेषता है कि नवजागरण जो है वो पीछे की तरफ आंख करके आगे बढ़ता है, वो बार बार पीछे की तरफ निगाह डालता है और सोचता है कि इसमें से ऐसा कौन सा तत्व है जिसे हम आगे आने वाले समय के लिए लेकर के चलें। दिनकर लेकर चलते हैं। दिनकर जब परशुराम की प्रतीक्षा करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि कोई पुराख्यान के चरित्र के रूप में है, उनके अंदर जो शौर्य है, उनके अंदर जो पराक्रम है और उनके अंदर दुष्टों के दलन की जो विशेषता है, उस विशेषता को फिर से इस देश में लाना चाहते हैं। वे देख रहे हैं कि हमारी सीमाओं पर दुश्मन की आंखें लगी हुई हैं। एक तरफ चीन हमारे सामने तमाम प्रकार की चुनौतियां देता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इधर म्यांमार और अन्य रास्तों से भी देखें आप
तमाम प्रकार के लोग जो है कदम दर कदम जो है आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, हमारे देश के फिर से खंड खंड हो जाएं, इस प्रकार की मानसिकता के साथ तमाम देश जो है इस देश पर निगाह डाले हुए हैं, तब दिनकर जो है वो केवल एक तटस्थ कवि के रूप में नहीं रह सकते, वे हस्तक्षेपकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हैं और हमें भी वो निरंतर आह्वान करते हैं कि हम भी एक हस्तक्षेपकर्ता की भूमिका में आए। यदि आज दिनकर के साथ जो संकट हुआ है कि दिनकर का सम्यक मूल्यांकन हमारे आलोचकों ने नहीं किया, दिनकर को केवल राष्ट्रीयता के एक विशेष दायरे में बांध करके देखकर कई प्रकार की शरारतें भी की गई, लेकिन हमें देखना होगा कि दिनकर की रचना और विचारणा वह न केवल हमारे अपने समय को आह्वान करती है, वरन आने वाले समय के लिए भी बहुत सारे महत्वपूर्ण संकेत करती हैं। और इसीलिए इस दौर में जब हम खड़े हुए हैं, घृणा आतंक और हिंसा का परिवेश जो है पूरी दुनिया को ग्रस रहा है, मानवता जो है वो बिलख रही है, कई स्त्रियां जो हैं वो अपने देश से पलायन करने के लिए विवश हैं। आप देखें कैसा भीषण दृश्य है तालिबान का, कि जहां से स्त्रियां दूर दूर भागने को तैयार हैं, युवा जो है वो हवाई जहाजों पर कैसे भी करके चढ़ के भागने को तैयार हैं। तो पीड़ित मानवता के बीच में दिनकर याद आते हैं। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मारतंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। बल के सम्मुख विनत भेड़ सा अंबर शीश झुकाता है, इससे बड़ सौंदर्य तुम्हारा तुमको कौन सुहाता है, है सौंदर्य शक्ति का अनुचर जो है बलि वही सुंदर। सुंदरता निस्सार वस्तु है, हो न साथ में शक्ति अगर, सिर्फ ताल सुर लय से आता जीवन नहीं तराने में, निरा सांस का खेल कहो यदि आग नहीं है गाने, यदि आग नहीं है गाने। तो आप देखें कि दिनकर को याद करना यानी अपने अंदर एक विशेष प्रकार के तेज का संचार होना, हमारे अंदर के सोए हुई आत्मा को जगाना है, स्वदेशाभिमान को जगाना हुआ है। और इस रूप में दिनकर सही अर्थों में महाकवियों की परंपरा के रचनाकार हैं, जिनके लिए काव्य और अहम के बीच कोई द्वंद नहीं है। और उन्होंने इस बात की ओर संकेत भी किया है कि कविता में एक स्थिति वह भी आती है जब कवि को अपने अहम का लोप करना पड़ता है, अथवा समाधि की स्थिति में देर तक टिके रहने से कवि के अहम का आप से आप लोप हो जाता है, तब तो भूमि रिक्त रह जाती है, वहां कहीं से त्रस्त होकर कविता खुद ब खुद उतर आती है। तो सही अर्थों में दिनकर भर्तरी की परंपरा के कवि हैं, भास वाल्मीकि की परंपरा के कवि हैं, शूद्रक की परंपरा के कवि हैं, तुलसी और जायसी या कबीर जैसे महनीय रचनाकारों की परंपरा के कवि हैं, कि जो न केवल अपने युग को जगा रहे थे, वरन उनकी वाणी युगों युगों तक जगाती रहेगी, नई चेतना का संचार करती रहेगी। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। आपने आज ना केवल दिनकर पर इतना विस्तृत व्याख्यान दिया, बल्कि दिनकर को पढ़ने के बहुत सारे सूत्र भी दिए कि दिनकर को केवल राष्ट्रीय भावना का कवि कहकर उनके विस्तार क्षेत्र को सीमित ना किया जाए या उनकी विश्व दृष्टि को कमतर ना आका जाए, बल्कि उनकी विश्व दृष्टि ही है कि आज हम यहां सब एकत्रित हुए हैं, उन्हें कर रहे हैं उनके साहित्य का। मैं अब इस श्रृंखला में इस विश्वविद्यालय के माननीय समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी को आमंत्रित करूंगा कि वे रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ कविताओं का पाठ करें। आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम सर। धन्यवाद अरुण जी, इतना मोहित करने वाला और ज्ञानप्रद वक्तव्य हम लोगों ने सुना। अब कविता सुनाने की जरूरत नहीं है, हम कविता तो सुन ही रहे थे आधे घंटे 45 मिनट से, ये कविता ही थी जो दिनकर के माध्यम से। तो लेकिन चूंकि इस कार्यक्रम में
यह लिखित है, तो दो चार पंक्तियां मैं सुनाता हूं और दिनकर अपने बारे में क्या कहते हैं वो उनकी कविता के माध्यम से मैं आपके सामने रखता हूं। ज्योतिर्धर कवि में ज्वलित सौर मंडल का मेरा शिखंड अरुणाभ किरीट अनल का रथ में प्रकाश के अश्रु जुते हैं मेरे किरणों में उज्जवल गीत गुथे हैं मेरे मैं उदय प्रांत का संघ प्रदीप्त विभासे केसर मेरे बलते हैं कनक शिखा से ज्योतिर्मय अनंत अंत शिखा अरुण है मेरी है भाव अरुण कल्पना अरुण है मेरी उदयाचल पर आलोक सरासन तारे आया मैं उज्जवल गीत विभा के गाने ज्योतिर्धनु की शिंजनी बजा गाता हूं टंकार लहर अंबर में फैलाता हूं किरणों के मुख में विभा बोलती मेरी लोहित कल्पना उषा खोलती मेरी मैं विभा पुत्र जागरण गान है मेरा जग को अक्षय आलोक दान है मेरा स्वर को कराल हुंकार बना देता हूं यौवन को भीषण ज्वार बना देता हूं शूरों के दृग अंगार बना देता हूं हिम्मत को ही तलवार बना देता हूं मैं विवाह पुत्र जागरण गान है मेरा जग को अक्षय आलोक दान है मेरा। अगली एक कविता के दो अनुच्छेद पढ़ूंगा। विपतगा श्वानों को मिलते दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं माँ की हड्डी से चिपक टिटुर जाड़ों की रात बिताते हैं युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं मालिक जब तेल फुलोलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण झन झनन झनन झन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन डरपोक हुकूमत जुल्मों से लोहा जब नहीं बजाती है हिम्मत वाले कुछ कहते हैं तब जीभ तराशी जाती है उलटी चालें ये देख देश में हैरत सी छा जाती है भट्टी की ओदी आंच छिपी तब और अधिक धुंधलाती है सहसा सिंगार कड़ी होती दुर्गा मैं करने चली दस्यु दलन तेरा। और जो कृष्ण कर्ण संवाद है वो मुझे बहुत पसंद है, दो पंक्तियां उसमें से सुनाता हूं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सधूप दाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य न थब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए दो न्याय अगर दो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पनासी उठाएंगे दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका टे हरि को बांधने चला जो था साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज गोल डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे हा हा दुर्योधन बांध मुझे यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है संकार ससल। और एक व्यंग्यात्मक कविता एक पैरा पढ़ूंगा।
हो गया एक नेता मैं भी, हो गया एक नेता मैं भी, तो बंद सुनो, मैं भारत के रेशमी नगर में रहता हूं, जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती है, मैं चांदनियों का बोझ किसी विद सहता हूं। और जनतंत्र का जन्म तो कविता बहुत सब लोगों ने पढ़ रखी है, आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में, फावड़े और हल राजदंड बनाने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। जो लोग दिनकर को केवल वीर और श्रृंगार का कवि मानते हैं उनको ये पंक्तियां पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि दिनकर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो मंदिरों राज प्रसादों और तहखानों। खैर मैं व्याख्या नहीं करूंगा, व्याख्या करने का समय नहीं है, लेकिन इस दृष्टि से दिनकर को देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर सर, कविताएं सुनाई आपने, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना भावपूर्ण वाचन मैंने बहुत कम सुना है कविताओं का, दिनकर होते तो शायद ऐसा ही पाठ करते, और हमने तो उनको देखा नहीं, लेकिन आपके माध्यम से उनकी कविताओं तक हम पहुंच सके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस क्रम में अब मैं अपने गुरु प्रोफेसर हरिमोहन बुधौलिया जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। बुधौलिया सर मेरे गुरु भी रहे हैं, 2008-09 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में उन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो अपने गुरु का परिचय देना बहुत ही कठिन कार्य होता है। मेरा यह सौभाग्य है कि आज मैं उनको फिर से सुनूंगा और थोड़ा सा मैं और समृद्ध होऊंगा, क्योंकि गुरु को सुनना हमेशा समृद्ध होना ही होता है। मैं इस क्रम में ज्यादा देर ना करते हुए बहुत विलंब नहीं करूंगा, क्योंकि समय 5 पहले ही बज चुके हैं, मैं पूरे आदर के साथ प्रोफेसर हरिमोहन बुधौलिया सर को आमंत्रित करता हूँ, आप आए बुधौलिया सर। मैं छिपरा सा सरल तरल बहता हूँ, मैं छिपरा सा सरल तरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ, मुझे न मृत्यु भी भय दिखला सकती, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सबसे विशाल यूनिवर्सिटी इग्नू के बहुत ही लोकप्रिय कुलपति मेरे अभिन्न मित्र प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, संभवतः उन्हीं के मार्गदर्शन में हो रहा है तो सुन ही रहे होंगे, सुबह भी उनसे बात हुई थी, और इस वेबिनार संगोष्ठी के संयोजक और इग्नू के समकुलपति प्रोफेसर सम्माननीय प्रोफेसर सत्यकाम जी, आज के प्रमुख वक्ता हमारे ही विक्रम विश्वविद्यालय के आचार्य अध्यक्ष प्रिय भाई प्रोफेसर शैलेंद्र जी, सामने उपस्थित प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर पांडे जी तथा संचालन कर रहे जिन्होंने मुझे गुरु कहा, मुझे तो याद नहीं है पर मुझे पता है कि एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में बड़े प्रतिभाशाली और जीनियस विद्यार्थी थे, उस समय रहे एमए कर रहे थे, और ये दो विश्वविद्यालय तो बहुत प्रतिभा जीनियस रहे हैं, जेएनयू है, ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, वहां से निकले हुए कई विद्यार्थी अच्छे अच्छे पदों पर हैं, ऐसे अरुण पांडे जी,
ज्योति बालाजी और एक निदेशक डॉक्टर पांडे जी। सचमुच में मैं बधाई देता हूं और बहुत अच्छे तहे दिल से सत्यकाम जी को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि ये वेबिनार संगोष्ठी आज दिनकर जी के जन्म दिवस पर 23 सितंबर पर उन्होंने, क्योंकि हमें पूरे भारतवर्ष में अभी कहीं ये गूंज सुनाई नहीं दे रही है कि दिनकर जी को कोई याद कर रहा है। यद्यपि अभी आज के संदर्भ में 14 सितंबर से लेकर और 28 सितंबर तक जो राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर के संगोष्ठियां, विभिन्न सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, विभिन्न परिसंवाद आयोजित किए जा रहे हैं, इस संदर्भ में दिनकर जी को स्मरण करना सचमुच में बहुत ही प्रासंगिक है। अभी हमने इन्हें प्रोफेसर शैलेंद्र जी को सुना और जो इन्होंने जितने पूरे सार गर्भित लग रहा था कि हाँ बहुत अध्ययन किया है, बहुत पठन किया है और बहुत पाचन करने के बाद अपनी बात कही है, क्योंकि ये हमारे गुरुवर त्रिपाठी जी भी कहा करते थे केवल पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, चिंतन करना, उसका मनन करना और उसको पचाना भी, वो रक्त का, हमारे मानसिक रक्त का अंग बन जाए तो फिर हम दूसरों को सही ढंग से अपनी बात संप्रेषित कर सकते हैं। ऐसे आचार्य शैलेंद्र जी, शैलेंद्र कुमार शर्मा जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सचमुच में हमारे विक्रम विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की बड़ी सारस्वत परंपरा रही है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामूर त्रिपाठी, इन लोगों की जो सारस्वत परंपरा आज शर्मा जी के माध्यम से प्रवाहित हो रही है, मैं बार बार उन्हें बधाई देता हूं। और मुझे याद है अक्षर सुमन जी चर्चा करते रहते थे कि किन किन कवियों को उज्जैन में बुलाया, जब वो माधव कॉलेज में प्राचार्य थे तब दिनकर जी एक बार उज्जैन में आए थे और उज्जैन ही नहीं शायद रतलाम भी रुके थे, वो रतलाम के भी कुछ लोगों ने बताया। तो ये दिनकर जी का स्मरण करना और गाहे बगाहे कम से कम जो जो लोग इस पर अभी जुड़े हुए हैं हमारे वेबिनार से, वो उनसे अच्छी तरह से परिचित होंगे उनकी काव्यधारा से, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर डॉक्टर नगेंद्र तक, आचार्य रामूर्ति त्रिपाठी तक, वो कहीं ना कहीं ना कहीं जो भारतीय योग, द्विवेदी योग और फिर छायावादी योग, बस उसके बाद सीधे प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और अन्य अन्य आंदोलन आ जाते हैं, पर कहीं बीच में एक राष्ट्रीय काव्यधारा का जो अध्याय है वो कहीं जुड़ जाता है। यद्यपि इसकी शुरुआत जो भारतेंदु युग से ही हो गई थी, भारतेंदु जी को भी भारत जी, भारतवर्ष की दुर्दशा पर बड़ी अपनी कई पंक्तियां लिखी, भाव भारत दुर्दशा देखी न जाई। तो अगर राष्ट्रीय काव्यधारा को लेते हैं तो भारतेंदु से ही शुरुआत करनी होगी और उसके बाद मैथिली शरणगुप्त जो देदीप्यमान नक्षत्र की तरह उदित हुए पूरे भारतवर्ष के पटल पर, कि उसकी जो गंध है, सुगंध है, उसकी चकाचौंध है, वो प्रधानमंत्री तक पहुंची, अटल जी तक, सॉरी पंडित नेहरू तक, और शायद उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे हिंदी के आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ही रहे हों, जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि अभी दिनकर जी के लिए किसी आलोचक की जरूरत है, किसी अच्छे समीक्षक की जरूरत है जो उनको ठीक ठीक ढंग से उनकी रचनाओं को पढ़ सके, उनको सामने ला सके। मैथिली शरणगुप्त को पूरा का पूरा साहित्य जगत में ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लाने का श्रेय डॉक्टर नगेंद्र को रहा है। और जब उनको ऐसा लगा प्रधानमंत्री को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को, तो उन्होंने अपने आप ही सदन में राष्ट्र कवि घोषित कर दिया। आज वही परंपरा राष्ट्र कवि की जो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर और भी आगे हमारे यहाँ, तो उज्जैनी में श्री कृष्ण सरल जिन्होंने 18 महाकाव्य लिखे 18 शहीदों के ऊपर, चाहे वो
भगत सिंह हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, 18 महाकाव्य, यदि भी उन्हें भी कोई जानता नहीं है, हमारे प्रांतीय स्तर के रह गए हैं, मध्य प्रदेश में तो काफी लोग जानते हैं, बहुत लिखा है उन्होंने अपनी उनकी पत्नी के जेवर बेच बेच करके उन्होंने लिखा है, परंतु जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये बिहार में और मुंगेर जिले के एक सिमरिया गांव में पैदा हुए थे। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो साहित्यकारों का गढ़ है वो बिहार में पटना, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, अब जिसे प्रयागराज कहते हैं, और वाराणसी, ये साहित्यकारों के बड़े बड़े गढ़ रहे हैं, इन्होंने पूरी धूम मचाई है। तो दिनकर जी जिनका जन्म बिहार में हुआ और ऐसे स्थान पर हुआ, हमारे डॉक्टर साहब तो सत्यकाम जी बिहार से जुड़े हुए हैं और वहाँ की चप्पे चप्पे से भूमि से परिचित हैं, कि वहाँ न जाने कितने वर्षों बाद एक इतने महाकवि का अवतरण हुआ जिसके पहले विद्यापति का प्रभाव था। विद्यापति जैसे महाकवि के इतने अंतराल के बाद रामधारी सिंह दिनकर वहाँ अवतरित हुए और सचमुच में उन्होंने एक गंगा के किनारे जन्म लिया था। ये बिल्कुल बचपन में जैसे लाल बहादुर शास्त्री गंगा पार करके पढ़ने जाते थे स्कूल में, ऐसे ही दिनकर जी भी गंगा पार करके स्कूल में पढ़ने जाते थे। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि और परिचय में भी दिया गया कि सचमुच में कितनी जमीनी स्तर से वो आगे बढ़े। सबसे पहले 1932 में पटना से उन्होंने बीए ऑनर्स किया, 1933 में विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुए, 1934 से 42 तक रहे प्रधानाध्यापक, 43 से 49 तक बिहार सरकार के उपनिदेशक तथा 50 से 52 मुजफ्फरपुर महाविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए और उसके बाद 52 से 63 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। उस समय भी जो श्रेष्ठ रचनाकार हुआ करते थे, जो श्रेष्ठ साहित्यकार हुआ करते थे, उन्हें राज्यसभा में सम्मान भेजा जाता था और वो परंपरा आज भी बरकरार है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भी राज्यसभा में भेजे गए, बुलाए गए सम्मान के साथ। सेठ गोविंददास जी और दिनकर जी भी राज्यसभा के सदस्य रहे। 1964 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, केंद्रीय शासन में हिंदी सलाहकार भी रहे। यह उनकी जमीनी सतह से सने सने शिखर तक पहुंचने की जो यात्रा है, ये संघर्षपूर्ण जीवन की, जैसा कि जो वक्ता है उन्होंने भी अपनी बात कही है, कितना संघर्षपूर्ण जीवन रहा और उसको तो रूपायित करती है, परंतु हम सब जो नए युवा हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती है। यद्यपि उनकी रचनाओं के उद्धरण वक्ता शर्मा जी ने और रचनाओं को सुनाया भी सत्यकाम जी ने, पर फिर भी हमारे यहाँ उनकी जो रचना है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। सबसे पहले दिनकर जी की काव्य धारा की शुरुआत प्राण भंग 1930 से होती है, फिर 1935 में रेणुका का प्रकाशन होता है, परंतु हुंकार से 1939 से उन्हें यह पहचान मिली तथा 1940 में रसवंती से काव्य सम्राट काव्य संसार को समर्पित हो गए। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हुंकार से उन्हें यश तो मिला पर मेरी आत्मा दसवंती में ही बसती है। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य 1946 में प्रकाशित हुआ, सामधेनी 1947 में, 1951 में इतिहास के आंसू, इसी क्रम में रश्मि रथी, नीर कुसुम, चक्रवाल तथा नए सुशोभित और 1961 में उर्वशी खंड काव्य आया जिसने साहित्य जगत में धूम मचा दी। फिर आया 62 में परशुराम की प्रतीक्षा जो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है और कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। दिनकर जी को राष्ट्रीय काव्यधारा से सभी समीक्षकों ने, जैसा कि शुरू में भी कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने इतिहास में वहां से लेकर के और अद्यतन सारे आलोचकों ने दिनकर जी को राष्ट्रीय काव्यधारा से जोड़ा है। यद्यपि कुछ कुछ आलोचकों ने उन्हें छायावादी काव्यधारा की जो रूमानियत थी, कुछ कुछ उन्होंने श्रृंगार पर अभी रचनाएं लिखी हैं, तो रूमानियत का भी कभी कभी, जैसा कि बीच में वक्ता जी ने भी कहा, शर्मा जी ने,
तो उनके ऊपर कई प्रकार के वो लगाए गए, पर ये केवल पूर्वाग्रह रहा है। मूलतः जो उनकी भावधारा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र के कावधारा में ही इन्हें स्थान दिया जाता है। आचार्य शुक्ल से लेकर डॉक्टर रामूर्ति त्रिपाठी आदि सभी इतिहासकारों ने राष्ट्रीय कावधारा के कवियों की ससम्मान स्थान दिया है। उन्हें राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति व भारतीय संस्कृति के उद्गाता कवि कहा है। भले ही कोई आलोचक दिनकर जी को छायावादी काव्यधारा की जो रोमानियत वाली बात कही, परंतु मूल भावधारा उनकी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण की रही है। उनमें यदि कहीं श्रृंगार भी है तो हुंकार भी बहुत अधिक है। वे लड़चते हैं तो गरजते भी हैं, थोड़ा बहुत नहीं बहुत भयंकर। वे क्रांति नहीं महाक्रांति की बात करते हैं, उद्भूषण की आग रागनी, उद्भूषण की आग रागनी, लेनिन की दिन की चिंगारी, युम मर्दिन यौवन की ज्वाला, जाग जागरी क्रांति कुमारी, वीरों के जाते कान सुख मेरे कठोर हुंकारों पर, अट्टहास इथलाती है जारों के हाहाकारों पर, जय विधायक के अमर क्रांति की, अरुण देश की रानी, रक्त कुसुम धारिणी, जगत तारिणी, जय शिवे भवानी। यद्यपि अंतिम समय में दिनकर जी गांधी और रविंद्र की भांति सत्य की खोज में भी लग जाते हैं। वे कहते हैं, रक्त भी उत्तप्त लहरों की परिधि के पार कोई सत्य हो, रक्त रक्त की उत्तप्त लहरों की परिधि से पार कोई सत्य हो तो चाहता हूं और उसको जान लूं। पंत हो सौंदर्य की आराधना की व्योम में, यदि शून्य की उस रेख को भी पहचान लूं। दो पंक्तियों में जो आज बहुत सारी बात हमारे प्रमुख वक्ता ने भी कही, डॉक्टर साहब ने तो कविता भी सुनाई, दो पंक्तियों में पूरी राष्ट्र की अवधारणा परिलक्षित हो जाती है दिनकर जी की। जो बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। सचमुच में हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति की पहचान रही है, क्षमा सबसे बड़ा गुण माना जाता रहा है। और इसके ऊपर ही इन्होंने व्यंग कसा है कि अगर वो सामर्थ्यवान हो, बलवान हो, जैसा कि आज दिखाई दे रहा है, हमारे राष्ट्र को वो भुजंग के रूप में ही देखना चाहते हैं। क्षमा भी को भी इनकार नहीं कर रहे हैं, पर ये दो पंक्तियां उनके पूरी राष्ट्र की अवधारणा को द्योतित करती हैं। और अंत में एक बार जब उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा था, ज्ञानपीठ पुरस्कार के वितरण समारोह में अपने भाषण में अंत में दिनकर जी ने अपने जीवन का रहस्य और पूरे समूचे राष्ट्र की अवधारणा का रहस्य इन पंक्तियों में प्रस्तुत कर दिया है। जिस प्रकार मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच झटके खाता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच झटके खाता रहा हूँ, इसीलिए उजले रंग को लाल रंग से गुणा करने पर, उजले रंग को लाल रंग से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही मेरी कविता का रंग है। वही मेरा विश्वास है कि अंततो गत्वा वही रंग मेरे भारतवर्ष के व्यक्तित्व का भी होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनकर जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने दिनकर की पूरी परिधि एक बताई और एकदम जो मूलभूत बातें हैं दिनकर से संबंधित, और कुछ ऐसी बातें जो पुराने लोग ही जानते हैं, पुराने पढ़े लिखे लोग, हम लोग नए लोग उतने संदर्भ नहीं जानते हैं। तो आपका वक्तव्य बहुत ही सारगर्भित और बहुत समृद्ध करने वाला रहा। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस श्रृंखला में अब बहुत विलंब ना करते हुए मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के निदेशक आचार्य जितेंद्र श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा। वे अब कार्यक्रम का समाहार और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। पूरे आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं।
प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव सर। धन्यवाद अरुण जी। आज की इस संगोष्ठी में हम सबके माननीय कुलपति जी प्रोफेसर नागेश्वर जी राव, आज हमारे जो दो अतिथि वक्ता हैं, अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर बुधौलिया जी और आज का वक्तव्य देने वाले प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, आप दोनों हिंदी के भारत के समादृत विद्वान हैं। आप दोनों ने हमें समय दिया और अद्भुत व्याख्यान दिया, प्रोफेसर शर्मा ने भी और प्रोफेसर बुधौलिया ने भी। हम सब उससे बहुत लाभान्वित हुए हैं और फेसबुक पर के माध्यम से, संचार माध्यमों के माध्यम से यह एक तरह से संचित हो गया है और देश भर, दुनिया भर में लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत अच्छी चर्चा हुई आज दिनकर पर। और मेरा भी यह मानना है कि जो एक अवधारणा रही है बहुत पहले से माँ मातृभूमि मातृभाषा की, अगर उसे कुछ कवियों में देखना हो तो दिनकर एक प्रमुख कवि है जहां पर आप इस अवधारणा को फलीभूत होते देख सकते हैं। और अच्छे कवि, महाकवि, तमाम तरह के पद होते हैं। कई बार मैं विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि दिनकर एक पूर्ण कवि है और पूर्ण कवि इस अर्थ में है कि मुझे दिनकर अकेले ऐसे कवि दिखाई देते हैं हिंदी में जहां तन, मन और जन तीनों के लिए स्पेस है। न तन उपेक्षित है, न मन उपेक्षित है, न जन उपेक्षित है, सबको एक साथ समान आदर, समान गरिमा के साथ कविता में लेकर आते हैं दिनकर। कुछ लोग श्रृंगार के कवि होकर रह जाते हैं, कुछ लोग राष्ट्रीयता के कवि होकर रह जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ जनता की बात करते हैं, आंदोलन धर्मी कविताएं लिखकर रह जाते। दिनकर ने तीनों तरह की महान कविताएं लिखी, इस अर्थ में एक मुकम्मल कवि है दिनकर, पूर्ण कवि है दिनकर। बड़ी बात है। कविता को आप देखें कि मैथिली शरण गुप्त आते हैं, जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं, बीच में छायावाद आता है, महान कविता है वह, लेकिन जब दिनकर आते हैं और बच्चन आते हैं तो हिंदी कविता सीधे जनता से जुड़ जाती है, उस जनता से जुड़ जाती है जिनमें बहुतों को लिखना नहीं आता था, वो पढ़ नहीं सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे। यानी कि कविता, लिखित कविता को भी वाचिक परंपरा में ले जाकर जन मन से जोड़ देने का जो महान कार्य किया वो दिनकर ने किया। एक बड़ी उपलब्धि है यह हिंदी कविता की, दिनकर की एक कवि के रूप में तो है ही, हम सब की है ये। कुल 25-30 वर्ष बीता था दिनकर जब हिंदी कविता में आए और 25-30 वर्ष की जो खड़ी बोली हिंदी कविता थी उसमें इतनी सहजता से राष्ट्रीयता की कविता कर लेना, इतनी सहजता से प्रेम की कविता कर लेना, ये बड़ी बात थी, ये आसान बात नहीं है। जो लोग कवि कर्म से परिचित हैं वो जानते हैं कि यह सहज कार्य नहीं होता। मित्रों, आज दिनकर नहीं है, दिनकर को गए, कई दशक बीत गए, फिर भी मुझे लगता है कि दिनकर की कविता एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। स्वानों को मिलता दूध भात जैसी पंक्तियां सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम पढ़ लें और थोड़े से द्रवित हो जाएं, वो इसलिए भी है कि हम आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरें। एक आईना है वह कविता और लगातार अभिजन के समानांतर वह जो वंचित जन है उनको हमारे सम्मुख लाकर खड़ा कर देती है, जिनसे हम बचने की कोशिश करते रहे हैं तमाम कारणों से, वो लाके कविता हमारे सामने खड़ा कर देती है और यही कविता का काम भी होता है। इसी माध्यम से कविता आत्मा में जगह बनाती है, आत्मा का सहचर बनती है और वो आत्मा का विरेचन भी करती है। तो दिनकर की कविता इस तरह हमारी आत्मा का सहचर हो जाती है, वो हमसे जुड़ जाती है और आत्म मूल्यांकन का एक अवसर देती है। साहित्य की सबसे बड़ी भूमिका जो है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि उनकी राष्ट्रीयता की कविता पढ़िए या जो वंचित जन के समर्थन में जो कविता लिखी है दिनकर ने, पढ़िए तो ऋण की हड्डी में सनसनाहट होती है। ऐसा नहीं लगता कि आप सिर्फ कोई आनंद की चीज पढ़ रहे हैं, कोई छंद पढ़ रहे हैं, लगता है कि कुछ बदल रहा है, कुछ झंझनाहट सी महसूस होती है। ऐसा
विरल कवियों के साथ होता है। कवि तो हजारों होते हैं हिंदी के इतिहास में। दिनकर के अपने समय में बहुत सारे कवि थे, लेकिन बचे कितने? वो इसीलिए बचे कि ऋण की हड्डी में तनाव पैदा करने की क्षमता है उस कविता में, मन का हृदय का आयतन बड़ा करने की क्षमता है उस कविता में, इसलिए दिनकर बचे। दिनकर की कविता इस महादेश की सांवली धरती का वह नमक है जो वंचित जनता के स्वेद कण से निस्सृत हुआ है। वह किसी सुखी व्यक्ति की कविता नहीं है, वह अघाए व्यक्ति की कविता नहीं है। तो दिनकर को मैं इस तरह देखता हूं, याद करता हूं। दिनकर की पूरी काव्य यात्रा फटे होठों पर उजली हंसी लाने के संधान की कविता है, फटे दिवाई वाले पैरों में सुख की कोई ध्वनि पैदा, झंझनाहट पैदा, या पहले की संवेदना पैदा करने वाली कविता है। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर अगर हम सब उससे जुड़ पाए तो हम वह भारत बना सकते हैं जो दिनकर चाहते थे, जो प्रेमचंद चाहते थे, या इस तरह के जो महापुरुष हमारे सर्जक हुए हैं वो चाहते थे। आज की यह कह सकते हैं संध्या अब होने को है। यह संध्या बहुत संपन्न संध्या है, जब हमने राष्ट्र कवि को, आत्मा के सहचर को, आत्मा के एक चिकित्सक को याद किया, कवि दिनकर को याद किया। मैं बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी का, प्रोफेसर बुधौलिया जी का, कि वे इस आयोजन में आए। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने समकुलपति और मानविकी विद्यापीठ के वरिष्ठतम आचार्य प्रोफेसर सत्यकाम जी को भी, जिन्होंने इस आयोजन को संभव किया। हमारी एक और समकुलपति प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती जी भी इस आयोजन में लगातार उपस्थित हैं, अंग्रेजी साहित्य की अध्येता हैं वो। मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ज्योति चावला जी ने आज स्वागत भाषण दिया, उनका भी धन्यवाद है। अरुण पांडे जी ने संचालन किया। तमाम मित्र जिन्होंने पोस्टर बैनर बनाने से लेकर और संचार माध्यमों तक इसको जोड़ा है, फेसबुक से जोड़ा है, आप सबके प्रति, पूरे इग्नू परिवार के प्रति, जो तमाम क्षेत्रीय केंद्रों से हमारे साथी जुड़े हैं, क्षेत्रीय केंद्रों से निदेशक जुड़े हैं, सह निदेशक जुड़े हैं, तमाम तरह के अधिकारी कर्मचारी जुड़े हैं, मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और यह उम्मीद करता हूँ कि दिनकर की कविता की ध्वनियां आपकी आत्मा में बजती रहेंगी। बहुत बहुत आभार। मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, शैलेंद्र जी को भी और आदरणीय बुदौलिया जी को भी और जितेंद्र जी को भी, जिन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया, क्योंकि एक अच्छे वक्ता अगर समाहार करते हैं तो किसी भी गोष्ठी का, किसी भी आयोजन का महत्व तो बढ़ जाता है। अंतिम समय में मैंने उनसे आग्रह किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मैंने पहले उनको नहीं कहा था, लेकिन अभी कहा। उनको अन्यत्र दूसरी भी संगोष्ठी में अभी जाना है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और अरुण जी, इस गोष्ठी का आप समापन कर दें। सर, आपका धन्यवाद सत्यकाम जी, जितेंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद। हम लोग साथ में बैठे और मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि आप दोनों के साथ ही बैठकर चाय पीऊं। आभासी चाय की व्यवस्था होती तो वो भी हो जाती, लेकिन सचमुच बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया आपने भी और डॉक्टर साहब ने भी, बहुत अच्छा वक्तव्य। हाँ, डॉक्टर साहब का आशीर्वाद हम लोगों के सिर पर रहे, आदरणीय बुदौलिया जी का